dissenting voice is silenced, any dissenting voice is discouraged. It is important that we revive the art of democracy, whatever the country has stood for, the argumentative Indian to return back to the fore. And that is our humble attempt through these dialogues and discussions to engage progressively with our civil society and understand their issues and be able to address their issues better. इस देश की जो भारतवर्ष की नींव है इसी पे पड़ी हुई है. कंटिन्यूटी विद चेंज, अतीत के नींव पे ही भविष्य का निर्माण होता है. हमारी कंटिन्यूटी जो है वो बदलाव आ सकता है. पहले जो हाथ से तकली से सूत निकालते थे और उसके ताना बाना पे कपड़े तैयार करते, मोटे कपड़े थे, तो धागा वही है. हम धागे को जो है अच्छा और पूर्ण बना सकते हैं, लेकिन धागा वही है. इसलिए हम चाहते हैं कि अतीत के नींव पे ही भविष्य का निर्माण होगा. हमारी जो बुनियादी हमारी देश की लोकतंत्र है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी भी देश चलेगा. और मुझे लगता है सोच बदलेगा, सोच बदली भी है, सोच बदलेगा. नहीं, ऐसी बात मुझे नहीं लगता है. मैं भी चुनाव हारा हूँ. मैं कलीना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारा हूँ. मेरे जीतने के बाद और शायद हारने के बाद और ज़्यादा संपर्क बढ़ा है, और होना भी यही चाहिए. मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी पार्टी का यही मतलब उद्देश्य है, यही निर्देश भी है. मंदिर हमारे जी वहाँ चले गए. मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कभी मंदिर बनाने के लिए रोकने के लिए नहीं गई. हमारा एजेंडा क्या है? जब हम देश के सामने अपना मैनिफेस्टो लाते हैं कोई पार्टी, उसी के आधार पर हमको करना चाहिए. हमारा मैनिफेस्टो देख लीजिए, जो मैनिफेस्टो हमने 2014 में दिया था उसमें और लोगों से राय करके उसको और क्या कर सकते हैं. हम जनता की राय से मैनिफेस्टो तैयार करते हैं और 2019 में हमारा वही घोषणा पत्र आएगा, उसी के आधार पर हम देश की जनता के सामने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में खड़े होंगे. जीएसटी बिल्कुल रहेगी, क्योंकि जीएसटी जो पॉलिसी थी हमने ही शुरुआत की थी. हमने जो विचार रखे थे, हमने बार बार पार्लियामेंट में आकर रखे थे. आपको ध्यान होगा कि 8 से 9 साल अगर उसको अटकाने का काम किया होगा वो भारतीय जनता पार्टी ने किया. खास करके एक राज्य से आ रहा था, वो था गुजरात. और वही नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आते हैं, प्रधानमंत्री रूप में आते हैं, वो हड़बड़ी में आनन फानन में एक ऐसा जीएसटी इम्प्लीमेंट करते हैं जो देश के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा है. तो जीएसटी जो गब्बर सिंह टैक्स के नाम से जाना जाता है, हम उसको गुड एंड सिंपल टैक्स जो बार बार मोदी जी कहते हैं, पर सही मायने में लागू अगर किया जाएगा, हमारी तरफ से किया जाएगा. हमारी इंटेंशन एक था, वन नेशन वन टैक्स एंड सिंपल टैक्स, उसका हम पूरा पालन करेंगे और सिंप्लीफिकेशन टैक्स सिस्टम में लाने का काम करेंगे. भारतीय जनता पार्टी का 5 सितारा कार्यालय बन गया हो वो सवाल होता है. वो ट्रांसपेरेंसी होती है सिस्टम में जो नहीं आए हैं. इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, अगर 95% जो बॉन्ड्स हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा रहे हैं. नोटबंदी के बाद अगर फायदा सिर्फ एक राजनीतिक दल को हो रहा है वो है भारतीय जनता पार्टी. अगर ट्रांसपेरेंसी को तहस नहस करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है. और आपको ये भी रिपोर्ट आपके सामने आई होगी जो बार की रिपोर्ट है कि 22,000 बार एक हफ्ते में टेलीविजन के अंदर अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एड्स चले हैं. तो आप समझ सकते हैं जो 5 सितारा कार्यालय बना लेते हैं 4.5 साल में, सबसे ज्यादा पैसा मीडिया में खर्च करते हैं, सबसे ज्यादा एड बजट करते हैं, साथ ही साथ सारी रेवेन्यू फंडिंग भी उनकी ऐसी आ रही है जो कि सोर्सेज हमें पता नहीं चल रहे हैं. तो कहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है वो है भारतीय जनता पार्टी के 5 सितारा कार्यालय से शुरू होगा. सोच से सोच की लड़ाई एक कार्यक्रम है जो युवा कांग्रेस ने स्थापित किया है. ये एक ऐसी कार्यक्रम है जिसके द्वारा हम युवाओं को जोड़ते हैं, एक साथ युवाओं को जोड़ते हैं. और ये कार्यक्रम पंजाब में हो चुका है, गोवा में हो चुका है, हर एक स्टेट में हो चुका है, हर एक शहर में हो चुका है. तो हमने कहा कि मुंबई में भी होना चाहिए. तो इस कार्यक्रम के द्वारा हम उन युवाओं से बात करते हैं जिन युवाओं को अपनी आवाज़ हमारे टॉप लीडरशिप तक पहुँचानी हो. तो मैं अपनी टॉप लीडरशिप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो इधर इस मंच पे आए और उन्होंने इतना समय दिया हमारे युवा साथियों को. मेरे मन में तो कई सवाल है. मेरे मन में अगर नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे तो मैं उन ज़्यादा सवाल कर सकूँगा. मगर जैसे हमारे युवाओं ने कहा कि 2 करोड़ जॉब्स उन्होंने प्रॉमिस किए थे और बहुत सी ऐसी चीज़ें उन्होंने वादे किए थे कि औरतों के बारे में सुरक्षा और वगैरह वगैरह, तो ये जो प्रश्न थे वो बहुत ही उचित प्रश्न थे जो हमारे लीडर्स ने उसका जवाब दिया. और मैं यही मानता हूँ कि
ये भारतीय जनता पार्टी को भी युवाओं को बुला के प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। नहीं, अच्छे दिन तो आए नहीं हैं, हम भी रुके, 4.5 साल हो गए और मुझे लगता नहीं कि अगर ये सरकार रहेगी सेंटर में तो अच्छे दिन आने का कोई चांस भी है। और जो भी उन्होंने वादे किए थे रोज़गार के ऊपर या सुरक्षा के ऊपर, अच्छे दिन तो नहीं आए। और वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मगर कुछ लोग कहते नहीं है, कुछ लोग कहते हैं। मैं कहता हूँ, मैं आपके सामने हूँ, खड़े होंगे तो अभी उनके दिमाग में कोई जुमला होगा तो वो कुछ बोल देंगे। मगर नहीं, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा, मैं उनसे यही पूछना चाहूँगा कि जो युवाओं से उन्होंने वादा किया, मैं खुद एक युवा हूँ, कांग्रेस में हूँ, युवा कांग्रेस में हूँ, मगर उससे पहले एक युवा हूँ, एक इस देश का युवा नागरिक हूँ। और मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, ये एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने जो हमें कहा था कि युवाओं को आप रोज़गारी दोगे, आप युवाओं के लिए एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे, वो कहाँ है? मेरे जो युवा भाइयों और बहनों जो अलग अलग गलत राहों में चल रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई जॉब्स नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आपने जो रोज़गारी का वादा किया था वो आपने वादा क्यों नहीं पूरा किया? और जो आप काला धन लाने वाले थे, हम सबके बैंक अकाउंट में 15 लाख आने वाले थे, काला धन वापस आने वाला था, मगर मेरे हिसाब से तो उन्होंने जिसको जिसको लोन देना था, एक दो मोदी चले भी गए बाहर, तो आम जनता को इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आम जनता को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं और अमीरों को और अमीर बना रहे हैं और गरीबों को और गरीब।